दिल धड़ने की जगह नहीं है भाई। यहाँ पर चार लोग यहाँ पर मौजूद हैं इस वक्त ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए, दो सिपाही वहाँ खड़े हुए हैं और गपशप में मसरूफ हैं। हम सदर तक चलेंगे, एमेजना रोड भी दिखाएंगे कैसी वायलेशन हो रही है ट्रैफिक रूल्स की, वो बस आप देखते जाइए। कोई भी दूसरे को रास्ता देने के लिए तैयार नहीं है। और ये जा रहे हैं और ये एक्सीडेंट होते होते एक दफ़ा फिर बच गया भाई। ये देखिए रश। हाँ भाई, क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद अफजल। ये कौन सी जगह है? ये टोला बाजार एक नंबर है। एक नंबर गली नंबर क्या है? ये नंबर एक ही कहलाता है, गली नंबर एक कहलाता है ये। तुम एक नंबर के बाद नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फहीम सिद्दीकी, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। देख रहे हैं व्यूअर्स आप रश लोगों का, और ये देखें इंक्रोचमेंट लाइन से मैकेनिक रोड पे बैठे हुए हैं, कारोबार चल रहा है। अवतार से थोड़ी देर पहले सोल्जर बाजार के इलाके में हम मौजूद हैं। नई पुरानी हर किस्म की यहाँ पे इमारतें आपको मिलेंगी। क्या कुछ बिक रहा है, क्या हो रहा है, रोड साइड क्या हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, कैसे गुजर रहे हैं, सब कुछ देखिए इस वीडियो में आप, और फिर कमेंट्स में बताइए। देखें होटल का सेटअप रोड पे लगना शुरू हो गया है। ये महबूब फूड सेंटर है। ये गाड़ियों के मोटरसाइकिलों के मैकेनिक्स बैठे हुए हैं। ये रास्ता जा रहा है होली फैमिली अस्पताल से होता हुआ आगे, तो क्या देखते हैं यहाँ से लेके सदर तक में, वो सब हम आपको अपनी इस वीडियो में दिखाएंगे। ये एम्बुलेंस जा रही है। जगह जगह छोटी छोटी फूड स्ट्रीट्स बन चुकी हैं जहाँ के जहाँ पर मुख्तलिफ अफ्तारी के आइटम्स फरोख्त हो रहे हैं, और गैस ना होने की वजह से आवाम मजबूर है ख़रीदारी करने पे, और जहाँ गैस आ भी रही है तो वहाँ प्रेशर बहुत कम है गैस का, जिसकी वजह से लोगों को खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये देखें सामने कितना रश लगा हुआ है निम्को किंग पर, तरबूज अमरूद सब यहाँ पर दस्तियाब है। सामने बर्गर है, आइडियल बर्गर। हाँ भाई, क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद अफजल। ये कौन सी जगह है? ये टोला बाजार एक नंबर है। एक नंबर गली नंबर क्या है? ये नंबर एक ही कहलाता है, गली नंबर एक कहलाता है ये। तुम क्या बेच रहे हो यहाँ पे? यहाँ पे लॉन्ग चिड़े बेच रहे हैं। क्या हिसाब बेच रहे हो? 150 रुपए। 150 रुपए महंगी नहीं दे रहे? नहीं नहीं सही है, सस्ता है, सस्ता है। चले भाई, देखा आपने, ये है सोल्जर बाजार एक नंबर, और कंजस्टेड हो। ओ देखे रक्षा टकराते हुए बच गया भाई, बचत हो गई भाई, बचत हो गई। ये देखिए आवाम का रश देख रहे हैं आप, बस देखते जाइए रश किस कदर है। टूटी पड़ी हुई है कौम अफ्तारी का सामान खरीदने के लिए। ये रक्षे पे खातून आगे बैठी हुई हैं। हर कदम पे कोई ना कोई स्टॉल मौजूद है और लोग ख़रीदारी में मसरूफ़ हैं यहाँ पर सोल्जर बाज़ार एक नंबर पे। वापस निकलते हैं मेन रोड की जानिब। देख रहे हैं आप किस तरीके से यहाँ पर लोग अफ्तारी की ख़रीदारी करते हैं। आवाम का ठाठे मारता हुआ समुंदर यहाँ मौजूद है, और ये पानी की बोतल लेके जा रहे हैं, और ये एक्सीडेंट होते होते एक दफ़ा फिर बच गया भाई। ये देखिए रश, देख रहे ना रश आप, जिसका जहाँ दिल समा रहा है, सींग समा रहा है, वो वहाँ निकलने में मसरूफ़ है। रास्ता बनाना पड़ेगा भाई। तो अब हम बिलाखिर उस समुंदर से निकल आए हैं, वो था सामने रश आवाम का निम्को किंग पर, और यहाँ दही बड़े बिक रहे हैं 520 रुपए किलो।
लॉन्ग साइड सफ़र शुरू हो चुका है अब लोगों का। ज़रा सी देर सफ़र करने को लोग तैयार नहीं है, अब तेज़ी के साथ लोग रॉन्ग साइड आ रहे हैं। और ये आगे एक्सीडेंट हो गया है, कोई हाथ लड़ाई हो रही है, ये देखें आप। देखा आपने लड़ाई, सीन ऑन है भाई, सीन ऑन है भाई। सफ़र कम आता ख़त्म होता जा रहा है लोगों का। और ये देखें रिक्शा भी रॉन्ग साइड शुरू हो गया आना, ये देखें, देखा आपने, ये सूरत हाल है हमारी। इसके पीछे मोटरसाइकिल भी चल पड़ी है, ये एक और मोटरसाइकिल। रॉन्ग साइड आने में तो हम मास्टर हैं भाई, देख लिया भाई सीन ऑन। तो ये मनाजर आपको जावजा देखने को मिलेंगे अफ्तारी से पहले के। मोबाइल पे लगे हुए हैं, गाड़ी चला रहे हैं। और ये ट्रक सामने से आके आ गया, अरे बच्चे बच गया भाई, बच गया, बच गया, बच गया भाई, बच गया। कोई अपनी लाइन में चलने को तैयार नहीं है, देख रहे हैं ना आप। ये पोजीशन है सोल्जर बाज़ार के इलाके में, होली फैमिली अस्पताल कुछ ही दूर पर हमारी मंजिल है। उसके आगे हम सदर तक चलेंगे, एमेजना रोड भी दिखाएंगे। कैसी वायलेशन हो रही है ट्रैफिक रूल्स की वो बस आप देखते जाइए, कोई भी दूसरे को रास्ता देने के लिए तैयार नहीं है। और ये आ गया होली फैमिली हॉस्पिटल। गाड़ियों की रफ्तार देखें आप, किस कदर तेज़ी से लोग अपनी अपनी मंजिलों पे पहुंचना चाहते हैं। कोई फिक्र नहीं है कि भाई सामने से जो आ रहा है उसका ख्याल करें। ये इसका मेन गेट होली फैमिली हॉस्पिटल का। टर्निंग पॉइंट, इसके बाद सामने जो बिल्कुल आप सीधे चले आएंगे तो एमेजना रोड पे निकलेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट जाएंगे तो वहाँ पे ग्रीन लाइन का ट्रैक है जिस पे काम कई सालों से रुका हुआ है और काम नहीं हो रहा वहाँ पे। यहाँ से हमने टर्न ले लिया, ट्रैफिक तेज़ी के साथ आ रहा है। ये रास्ता भी खाली मिलेगा आपको, लेकिन सामने वाला जो ट्रैक है वो भरा हुआ मिलेगा, क्योंकि सब लोग अपने ऑफिस, अपने कारोबार से अपने घरों की तरफ रवाना जमाएँ। व्यूअर्स ज़रा बताएं कमेंट्स में, अगर टाइम मिले तो रमज़ान कैसे गुजर रहे हैं, रोज़े कैसे गुजर रहे हैं, सहरी कैसी चल रही है, अफ्तार कैसा चल रहा है, और सबसे बढ़कर इन सब के अलावा इबादत कैसी हो रही है, किसने कितने कुरान शरीफ पढ़े, कितना पढ़ लिया, तरावी पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे, कितनी पढ़ रहे हैं, ज़रूर इतला दें, मैसेज करके बताएँ, ताकि दूसरों को भी पता चले कितनी इबादतें हो रही हैं। यहाँ पे सेटअप होटल का लगने जा रहा है, तैयारी पकड़ रहे हैं, कुछ ही देर में रोड पे सेटअप लग चुका होगा। सामने आ गया ISM हॉस्पिटल, ये देखिए सेटअप यहाँ लग गया है, बारबेक्यू का सेटअप है। और ये सामने है अंकल सरिया हॉस्पिटल, ये है आगा खान सोएम रोड। और यहाँ से हम जा रहे हैं एमेजना रोड की तरफ, ये उल्टे हाथ पे आ गया IPA सिटी कैंपस, इसके बराबर में है PMA हॉस्टल, PMA ऑफिस पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन। लीजिए भाई एमेजना रोड के सिग्नल पर आ चुके हैं हम, और यहाँ पे ट्रैफिक कांस्टेबल मौजूद है सिर्फ ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए। ये देख रहे हैं आप माशाल्लाह, बस कोस्टर देखें किस कदर भरी हुई है, ओवरलोडेड, दिल लड़ने की जगह नहीं है भाई। और ये ट्रैफिक का सिग्नल खुल गया, देखें कैसी तेज़, ये मोटरसाइकिलें फंस गई हैं बीच में, तीन मोटरसाइकिलें फंस गई हैं भाई, तेज़ रफ्तारी की। और ये रॉन्ग साइड चल रही है भाई, ये ट्रैफिक कांस्टेबल मौजूद है ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए, कोशिश कर रहे हैं PC। और ये एक और इनका साथी आ गया है,
ये एक और साथी, ये एक और, चार साथी जमा हो चुके हैं यहाँ पर, चार लोग यहाँ पर मौजूद हैं इस वक्त ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए। दो सिपाही वहाँ खड़े हुए हैं और सब से अपने मसरूफ़ हैं, और पीछे भी मौजूद है भाई साजन। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मजीद क्या सूरत हाल है। ये देखिए, देख रहे हैं आप स्पीड, बस स्पीड देखें आप, ऐसा लगता है कि कोई है ही नहीं रोड पर, बस इन्होंने ही सफ़र करना है। इंतहाई तेज़ रफ्तारी के साथ लोग निकलना चाहते हैं, जो कि इंतहाई ख़तरनाक। ये देखें, तीन बैठे हुए और हेलमेट है ही नहीं, हेलमेट के बगैर सफ़र हो रहा है भाई। ये सब देखें, कोई हेलमेट नहीं है किसी मोटरसाइकिल वाले के पास। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये है मेजना रोड। ये रास्ता जा रहा है टावर की तरफ। चलो भाई चलें, आगे बढ़ें, कोशिश करते हैं सदर तक चलें। ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर नए हैं बेल के आइकॉन को दबाएं ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। आवाम का समुंदर तेज़ रफ्तारी के साथ अपने घरों पर पहुंचने के लिए पूरी कुव्वत के साथ बाइक और अपनी गाड़ियां चलाने में मसरूफ़ है। सब दुकानें हैं, मोटरसाइकिल गाड़ियों के पास की दुकानें हैं ये, जो सब बंद हो चुकी हैं। तो व्यूअर्स, ये थी एक छोटी सी अपडेट अवतार से कुछ मिनट पहले की। ये है तिब्बत सेंटर का सिग्नल, यहाँ से हम टर्न लेते हैं, ये रास्ता जा रहा है सदर रीगल की तरफ। ये सब गाड़ियों के पार्ट्स मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पे बनाए जाते हैं, रिपेयर किए जाते हैं, ये उनकी दुकान है। बहुत बड़ी मार्केट है, तिब्बत सेंटर की मार्केट कहलाती है। तो ये थी एक छोटी सी अपडेट, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो अपडेट में, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम, फी अमानिल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद। और ये हम पहुंच गए हैं अब सदर रीगल, ये है सदर रीगल, कराची शहर का बहुत बड़ा बिजनेस सेंटर। हर किस्म की दुकानें हैं यहाँ पर, सुई से लेके सोलर पैनल और दीगर बड़ी बड़ी चीज़ें यहाँ सब बिकती हैं। उमर कोई सी भी हो, रॉन्ग साइड चलाने से लोग बाज नहीं आते। मेरे एक इंडिया के सब्सक्राइबर दोस्त ने मुझे बताया कि इंडिया में इसका कोई तसव्वुर नहीं है रॉन्ग साइड गाड़ी चलाने का, लेकिन हमारे यहाँ ये देखें आप, रॉन्ग साइड, ये देखें रॉन्ग साइड, और फुटपाथ पे कब्ज़ा, ये देखिए। अगेन एक दफ़ा फिर आप सबको अल्लाह हाफिज़।